देश को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर महानगर में लोगों ने दीपों की रोशनी के जरिए इस महामारी के अंत के लिए अपना सहयोग दिया। बता दें कि दीपक के लाभ के बारे में वास्तुशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है। इसके मुताबिक कोई व्यक्ति यदि नियमित रूप से दीपक जलाए तो उसे कई तरह की बीमारियों से राहत मिल सकती है, उसकी मनचाही मुरादें भी पूरी हो सकती हैं और वातावरण में उड़ रहे वायरस भी समाप्त हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की अपील पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दीप जलाए। गोरखनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की अपील का पालन करते हुए दीपक जलाकर संदेश दिया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल दिल्ली स्थित अपने आवास पर दीपक जलाया। वहीं सदर सांसद रवि किशन ने भी अपने परिवार संग मुंबई स्थित आवास के बालकनी पर दीपक जलाया। इसी के साथ मंडलायुक्त ने अपने आवास पर दीपक जलाए। महानगर के लोगों ने भी अपने घरों की लाइट को बंद कर अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर दीप जलाए और भारत माता के नक्शे का भी स्वरूप दिया, जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देशवासियों को निजात मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर वासियों ने कहा, बाबा गोरखनाथ की जय, बाबा गोरखनाथ की जय, महान दिव्यनाथ महाराज की जय, महान देवेंद्रनाथ जी महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की जय, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की जय, बाबा मच्छिन्द्रनाथ जी की जय, बाबा मच्छिन्द्रनाथ जी की जय, बाबा गंभीरनाथ जी जय, बाबा गंभीरनाथ जी महाराज जी की जय, ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज जी की जय, महंत अवैधनाथ जी महाराज जी की जय। देखो कितनी अच्छी फोटो है। Oh, yeah.
पटाखा बोल रहा है, दिवाली है। सत्य मात नहीं लिया। तो गवर्नमेंट ने जो इस बार इनिशिएटिव लिया मोमबत्ती जलाने का और दिया जलाने का, ये बेसिकली इसलिए लिया गया है ताकि हम दूसरों को संदेश दे सके कि हम दूसरों के साथ हैं, और जितने भी हमारे डॉक्टर हो गए और जितने भी हेल्पिंग हैंड्स लोगों की मदद कर रहे हैं उन सबको हम एक निर्देश दे सके कि हम उनके साथ हैं और इस देश को जल्दी से इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। प्रज्ञा बात नहीं लिया, एकजुटता दिखानी थी कि पूरा देश एक साथ है, जो भी प्रधानमंत्री और हमारे पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स और नर्सेज जो भी सब मिलके जितने भी सहयोगी उसमें हैं सब मिलके जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम लोग अपने तरफ से कॉमन मैन की तरह हम लोग अपने तरफ से उनको थैंक यू भी कह सकते हैं, और हमारे ये सब जो तरीके जो हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग उनको थैंक यू कह रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप लोग करिए जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। मिसेस समीर यादव, डायरेक्टर DPS। हमारा उद्देश्य था कोरोना से लड़ना, इसको फाइट करना, और हमें ये दिखाना कि हम लोग डॉक्टर्स और नर्सेज इन सबके साथ हैं और हम इनके साथ हर पल हर वक्त खड़े हुए हैं। जब तक ये लोग लड़ेंगे जब तक हम इनके साथ इनके पीछे खड़े होकर लड़ेंगे। प्रभा के मकसद ये है कि हमारी इस ज्योति से ये जो हमारा वायरस का अंधकार जो फैला हुआ चारों तरफ ये हमारा दूर हो, और ये नक्षत्रगण हमारे चंद्रमा और मंगल हमारे बलवान हो और हमारे इस कष्ट को जल्दी से दूर करें। योगी जी और मोदी जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो लोग देश के लिए जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मतलब इस तरह से अपना देश रहा तो आगे बहुत तरक्की कर जाएगा। मतलब उन लोगों का डेडिकेशन इतना ज़्यादा है कि अपना देश और आगे तरक्की कर सकता, सब देशों से अव्वल निकल सकता है। और मतलब ये जो दिया उन लोगों ने जलाने का हम लोग को वो किया, तो ये समझिए हम लोगों का त्यौहार एक तरह से मन गया। मतलब परेशानी में भी उन्होंने हम लोगों के लिए त्यौहार मनवा दिया, ये कहना चाहेंगे। निश्चित रूप से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि आज आप लोग दिए जलाएं, इससे इसका मेन मकसद ये है कि जो दीपक जलेगा इससे रोशनी होगी, धुएं निकलेंगे, इससे जो कोरोना वायरस के जो ये वायरस घूम रहे हैं इससे ये मरेंगे।